malnutrition, a serious problem. In our country, around 44% children below 5 years of age are fighting with malnutrition. And according to the Global Hunger Index, the situation of Madhya Pradesh is very severe. Though several schemes have been introduced to eradicate malnutrition, yet there is a lot to be done at community level. Efforts are being made in this direction by Jan Sahas. हम लोगों का ये मानना था कि सरकार के जो कार्यक्रम हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुपोषण को मिटाने में और पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में, लेकिन इसी के साथ में समुदाय के द्वारा भी काम किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो तभी सस्टेनेबल हो पाएगा जब समुदाय की भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो सके। और हम लोगों ने मध्य प्रदेश के ऐसे जिले चुने जिनमें सामाजिक संगठनों का या लोगों का भी मानना है कि वहाँ बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में लोग रह रहे हैं, और साथ में जो सरकार के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से भी वहाँ सबसे ज़्यादा कुपोषण है। तो हम लोगों ने पन्ना और खरगोन से अपने काम की शुरुआत करी। Under the program, colleagues of Jan Sahas have identified severely malnourished children in the area and have motivated their parents to admit their children in Nutrition Rehabilitation Center, that is NRC. हमने शुरुआत में जन साहस की तरफ से वजन किया, पूरे गांव का सर्वे किया, उसमें पाया गया कि इतने बच्चे गांव में कुपोषित हैं। बच्चों को वजन करते हैं और फिर तक इनके नापते हैं, यदि बच्चे का वजन कम है और फिर तक गुलाई में ज्यादा आता है तो बच्चा वो अति कुपोषित में है। फिर दुबला पतला हुआ तो उनके माँ बाप को समझा दिया कि आपका बच्चा कुपोषित में है, तो उनको ये सलाह देते हैं कि आप NRC ले चलो, बच्चों को भर्ती कराओ और आपको 14 दिन वहाँ रहने के लिए खाना पीना सब कुछ मिलेगा, आपको वहाँ से पैसे भी मिलेंगे 1200 रुपए। यदि वो हम लोग का कहना नहीं मानते तो जो ब्रजमोहन भैया नामदेव हो, मतलब यहाँ गांव से भी आप देश चौधरी, उन लोग से बोलते हैं कि भैया चलो इन लोग को किसी ना, या उनके कहने से या हमारे कहने से तीनों जनों मतलब जुड़ते हैं, तो बोलते हैं कि किसी ना किसी तरह से जो NRC मतलब बच्चा भर्ती हो जाए। NRC में भी भर्ती करने के लिए भी मना किया क्योंकि मजदूरी का समय चलता था, फिर सर ने हमें उसका फायदा थोड़ा बताया कि आप जैसे यहाँ पे मजदूरी करते 60 रुपए में, वो मजदूरी आपको NRC में भी मिलेगी। तो फिर हमने वहाँ पे इनको 14 दिन भर्ती की। इसका वजन लेते समय हमको पता चला कि ये कुपोषित है, तो इसकी मम्मी से बात की, इसकी दादी से बात की, तो इसकी इनकी दादी ने बताया कि हाँ हम हमारे बच्चों को भर्ती करवा देंगे, तो फिर इसको वजन भी किया और हमने इसको भर्ती करा। मीटिंग में ये चर्चा कराता रहा कि NRC ले जाओ, कमजोर है बच्चा। 3 क्राइटेरिया होते हैं NRC के, एक मेड अप अराउंड सनकॉम्फ्रेंस, उसी को MUSC, एक वेट एंड हाइट, एक एडिमा। अगर उन तीनों क्राइटेरिया में से किसी में भी बच्चा जाता है तो NRC में एडमिट होगा। तो पेरीफेरी में जन साहस के साथी हैं, ये हमारे फील्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से जो है मिल करके और वहाँ की आशा कार्यकर्ताओं से मिल करके जो है उन ग्रामों में जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनको चयन करते हैं और चयन करने के बाद उनको निर्धारित दिवस में जो है यहाँ भेजने का काम करते हैं। जनसा समूह जो है आते हैं, बच्चे लेके आते हैं, कई बार इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। NRC में बच्चे एडमिट कराते हैं, फ़ोन करके पूछेंगे मैडम है बच्चे नहीं है, इस बार हम लाएंगे, आप बेड खाली रखना, लेके आते हैं। और इनका एक बहुत अच्छा बैक होता है कि ये 14 दिन के बीच में एक बार मिलने जरूर आते हैं। In NRC, children are given nutritious food and better care on regular basis. प्रत्येक दिन 8 बार खाना देने की व्यवस्था की जाती है। बच्चों को एक ही स्पेशल फीड देते हैं, जो मूंगफली, मिल्क पाउडर, कोकोनट ऑयल और शक्कर से तैयार किया जाता है। कुपोषित बच्चों के साथ में माताएं आती हैं, उनको पर डे हम जो है काउंसलिंग करते हैं। जन साहस वालों ने जानकारी दी, तोला और कम भी वजन था, बोले कुपोषित है बच्चा तुम्हारा तो NRC ले जाओ। NRC में ले गए, 4 किलो 700 ग्राम थी, 14 दिन में उनको दूध मिला, खिचड़ी मिली और पाउडर भी मिला, फिर 5 किलो 700 ग्राम बढ़ी। जिस दिन छुट्टी हुई उस दिन 1110 रुपये मिले थे। जो जन साहस में यहाँ हमारी स्नेहलता काम करती हैं, उन्होंने हमको प्रेरणा दी कि आप अपनी बच्चियों को पवाई में NRC में भर्ती कर दीजिए। जब हम यहाँ से वहाँ गए, जब मैडम ने तोला तो इसका वजन 6 किलो था और इसका वजन 5 किलो था। फिर मैडम रोज तोलती थी ना, तो 50 ग्राम इतना बढ़ता था रोज को। 14 दिन रहे थे, खिचड़ी खवा जो, दरिया खवा जो, दूध पे आइयो,
दवादार दूध दूध मिला तो चार पांच भी रहे। There are a large number of children in villages who fall in the range of medium malnourishment. If these children are not given proper care on time, then there is the danger that they become severely malnourished. And there will be chances that NRC might have to face more pressure. To deal with this situation, nutrition food fair were organized at village level. इसमें हम लोग मुख्यतः जो काम करते हैं कि बच्चों का वजन करते हैं, जो बच्चा मध्यम कुपोषण निकलता है उसको हम लोग पोषण जागरूकता मेले के अंदर उस बच्चे को शामिल करते हैं, उसकी माता को शामिल करते हैं। ऐसे 12 महिलाएं होती है और 12 बच्चे होते हैं, इनको हम लोग 12 दिन का एक कैंप लगा के उसके अंदर रखते हैं और वहाँ इनको रोज डेली समझाइश देते हैं। तो इसके लिए हम अपने अपने घर से 12 महिला थोड़ी थोड़ी दिन नान ले जा करके उसे खाना बनाती थी, जो हमारे पास होता है हम भी ले आते रहे थोड़ी थोड़ी। कोई चावल ले गई, कोई कभी दाल ले गई, कभी कनक ले गई, कोई दूध ले गई, कभी शक्कर ले गई। तो 12 महिला 12 दिन भोजन बनाए, एक दिन खिचड़ी खवाई, एक दिन खीर खवाई, एक दिन पूरी सब्जी खवाई, एक दिन हलवा खवाओ। खिलाने से वजन थोड़ी बढ़ा, बच्चन को कुछ पोषक हो गए, ऐसा कुपोषक थी। इसका नाम है रागनी चौधरी और इसका पहले दिन वजन इसका 9 किलो था। पहले पोषण मेला में वजन इसका 500 ग्राम बढ़ा और फिर दूसरे पोषण मेला में 400 ग्राम वजन बढ़ा। तो बच्चे जब 12 दिन खाते हैं फिर उनका वजन लिया जाता है, तो बच्चों का वजन बढ़ता है। तो जो रिसोर्सेज हैं अलग अलग वो भी एक जगह आ जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। फिर वो चर्चाएं भी करते हैं कि किस तरह से कुपोषण के मुद्दे को एड्रेस करना है ओवरऑल कम्युनिटी के लेवल पे। एट द न्यूट्रिशन फूड फेयर, Anganwadi and Asha workers also get together at the local level. जन साहस वाले भी आते हैं और वे भी हमसे मदद मांगते हैं, उनके चलो हम भी मदद करेंगे, क्योंकि उनको बच्चों को जुड़ मिलकर काम करना है, आपस में करना है, तो उनके साथ भी जाते हैं। वे लोग भी भजन करते हैं और 12 दिन का मेला लगाते हैं, तो उसमें हम शामिल होते हैं। इसी के साथ हम लोग थोड़ा न्यूट्रिशन गार्डन का काम करते हैं कि लोग अपने घरों में सब्जियां भाजियां उगाने चालू करें, जिससे कि लोगों को घर में पोषक तत्व वाला खाना मिले। हमारे यहाँ करेला भी हो जाता है, लौकी भी होती है, टमाटर हो जाता है, भट्टा, भिंडी, आलू सब कुछ हो जाता है। बाजार से कोई सब्जी नहीं खरीदती है, अपने घर में जलती साल भर बनाती खाती। हमें सब्जी जो बाजार से लाई पड़ती सो हमने घर में लगा लाई बारी में, सो हम सब्जी ले भी नहीं पड़ा। और नाडेप का हम लोग उपयोग करने का लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बता रहे हैं। दीदी ने बताया कि नाडेप को बनवाओ, नाडेप से आपको फायदा होगी, उससे हमने नाडेप बनाया। गोभी है, करेला है, ककड़ी है, सेमी भी है सर, हमारे घर में सब सब्जियां भी होने लगी, हमको सब्जी खरीदने को नहीं पड़ती है। हम पैसों से खाद लेते थे, उसका पैसा जो 3-4 बोरी लेते थे 3-4 हज़ार रुपये लगाते थे उसमें, तो वो हमारे बचत में आ गई और हम बच्चों को उस पैसों से खाना पीना बदलाव आ गया सर। ग्रेन बैंक इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। अनाज बैंक के लिए ब्रजमोहन भाई साहब ने एक हम लोगों को जोड़ करके गठित किया, 10-10, 5-5 किलो या 20 किलो, जिसके पास जितनी गुंजाइश के अनुसार जो ने अपन अनाज बैंक बनाया। जब अपन जितना जोड़ लेंगे उसका दुगना संस्था देगी, तो अपन इकट्ठा करके एक जगह रख लेंगे, इसका अध्यक्ष चुनेंगे, अध्यक्ष के बाद समिति रहेगी। बड़े लोगों के पास लेने के लिए जाते थे तो यानी एक का डेढ़ लेते थे, तो उनको एक का डेढ़ लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वो आए हमारे पास आए, बोला भाई हमको इतना गल्ला चाहिए, उन्होंने पट्ट से दे दिया। दूसरे के बड़े आदमी के पास उनको हाथ पसारने नहीं जाने पड़ता। इस प्रकार से हम अनाज बैंक की चलाते, बाकी जो गरीब लोग हैं के वास्तव में इनके पास खाने के लिए नहीं है उनको दिया, और जो विशेष कुपोषित दरिद्र बच्चे हैं उनके लिए की व्यवस्था इनकी उधर पोषण हो सके। इसी के साथ हम लोग कम्युनिटी स्कोर कार्ड करके एक एक्टिविटी करते हैं, जिसके अंदर हम हर सर्विस का एक रैंकिंग करते हैं। तो कम्युनिटी स्कोर कार्ड ये है कि जो सर्विसेज है सरकार की तरफ से, वो भले ICDS है या हेल्थ सेंटर है या राशन की दुकान है, तो उसके बारे में भी कम्युनिटी उसकी स्कोरिंग करे कि वो सर्विस किस तरह से इम्प्लीमेंट अभी हो रही है, उसको उनको क्या लगता है कि वो कितनी प्रभावी है और उसको कैसे और ज़्यादा प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए कम्युनिटी मिलकर एक्शन प्लान बनाती है। फिर ग्राम सभा के सहयोग से उसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। To make children aware of their rights, Bal Panchayats were introduced so that they may be able to identify the role of a responsible citizen and could apply it in future.
तो हमको लगता है कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चों के साथ में ये सारे काम करने की जरूरत है, और जो उनका पूरा समाजीकरण हो रहा है तो समाजीकरण इस तरह से किया जाए जो भारतीय संविधान कहता है। मध्याह्न भोजन मेनू के अनुसार हम लोगों को खाना नहीं मिलता, जो खाना बनाते हैं वो भेदभाव करते हैं, दूर से रोटी परोसते हैं। हम लोग बच्चे जुड़ गए और अध्यक्ष के पास गए, हम लोगों ने कहा कि मेनू के अनुसार खाना क्यों नहीं बनता, वो सब्जी देखो कैसी आती है, कुछ सुधार आया, शनिवार को पूरी देने लगे हैं। इसके साथ जो जुड़े हुए अन्य कारण है कि जो समितियां हैं जो गांव में जिम्मेदार हैं, आंगनवाड़ी ठीक से चलना चाहिए, स्कूल ठीक से चलना चाहिए, मध्याह्न भोजन बराबर मिलना चाहिए, पीडीएस में लोगों को जो अनाज मिल रहा है वो बराबर मिलना चाहिए, तो उन स्टेक होल्डर को जोड़ते हुए हम लोग उनका प्रशिक्षण करते हैं, जितनी भी समितियां हैं उन समितियों का प्रशिक्षण करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ उनका जुड़ाव बने। Are these steps sufficient in eradicating malnutrition? Or there are other aspects related to the roots of malnutrition? और कुपोषण सिर्फ एक मसला, कुछ अलग थलग मसला नहीं है, उसमें असल में काफी सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं कुपोषण के अंतर्गत। तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनको जो वो काम करते हैं उसके एवज में जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, तो काफी सारे मुद्दे हैं। साथ में जो जागरूकता है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है कि लोगों को पोषण के बारे में या खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक बनाना। यहाँ पे दलितों के साथ बहुत ही ज्यादा छुआछूत और भेदभाव की स्थिति है। जो हमारे गाँव की स्थिति है, जो बड़े लोग हैं जो भेदभाव छुआछूत ज्यादा मानते हम लोगों से, इसकी वजह से हम परदेश की भी चले जाइए सर। छुआछूत के विषय में भी बहुत चला, हम अपनी पट्टी पे नहीं बैठ सके, उनकी पे तो बैठे हम मिले कहाँ, हम अपनी खुद की पट्टी पे नहीं बैठ सके साहब। तो मजदूरी जैसे हमने किसी की करी तो क्या है कि मजदूरी पे देते नहीं है, बनी को जाओ तो एक दिन करो तो चार दिन नहीं मिलती, इस वजह से हम चले जाए बाहर तो बाल बच्चे जी पढ़ नहीं सका, न उतने खाना पीना मिल सका, सो बाल बच्चन के बीमारी हो। ऐसा कोई गाँव नहीं होगा जिस गाँव में 50 से 100 घरों में ताला लटके मिलेंगे और सारे के सारे लोग दिल्ली और पठानकोट में जाकर के अपना जीवन यापन अपना पेट पालते हैं। और छुआ छूत भी नहीं रहे दिल्ली दिल्ली में कहा जाने के कुआ जी, वो तो कोनो मतलब नहीं है, और इतने मतलब है छुआ छूत को, हर चीज को है। भेदभाव के कारण हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमारे जो बाल बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब होता है, ना पढ़ पाते हैं, ना पोषण होता है, ना खा पी अच्छे ढंग को मिलता है, बहुत खराब स्थिति से हम गुजारते हैं सर। पलायन के दौरान में वहाँ पे जब वो जाते हैं तो वहाँ पे कोई फूड या न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं होता है, पोषण सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, जो ICDS है जिससे वो थोड़ी मदद ले सकते हैं वो वहाँ पे काम नहीं कर रही है, वहाँ पे NRC सेंटर में उनके लिए अवेलेबल नहीं है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें उन इलाकों में वो फेस करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कुपोषण के साथ में जुड़ा हुआ है। गाँव में भी NREG का काम इतना चलता नहीं है जिसके कारण उनको रोजगार मिले, उनको आम आम नहीं है, उसमें भाग जाते हैं बाहर भाग जाते हैं। हमारे यहाँ गाँव में काम नहीं मिल रहा था गारंटी योजना में, तो दीदी ने बताया जन सास में काम कर रही हैं कि आवेदन लगाओ, तो काम मिला है पर पैसा नहीं मिला, बोलते पैसे आए नहीं है, सरपंच बोलता है कि सेक्रेटरी ने पैसा खाया है। काफी जगह जब लोगों ने डिमांड करी कि हमको काम मिलना चाहिए तो फिर उनके ऊपर एट्रोसिटीज हुई हैं, उनके ऊपर काफी तरह के मतलब परेशानियां उनको फेस करनी पड़ी है, तो इसलिए हम मानते हैं कि ये बहुत दोनों आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं। NREG के माध्यम से कुछ हद तक वो एड्रेस हम लोगों ने किया है और उसमें सफलता भी मिली है। Organizations work to simplify and facilitate things. Their work is to make aware the community of their rights, to form groups and solve their problems. Keeping the above mentioned objectives in mind, Jansa has formed Dalit Vanchit Vikas Manch and Adivasi Vikas Manch. और ये जो संगठन है ये membership based organization है, और ये संगठन मिलके जो अपनी समस्याएं हैं उसका विश्लेषण करते हैं, उसका आकलन करते हैं और उन समस्याओं से कैसे निजात पाना है और अपना जो विकास है या जो उनके साथ में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसको कैसे खत्म करना है, तो उसको लेके वो जॉइंट प्लानिंग करते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। दलित वंचित विकास मंच का गठन किया गया है, जो मुख्य धारा से वंचित लोग हैं उनको जानकारी दे के संगठन के माध्यम से जन सुनवाई में ले जाना और राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आगे लाने का ये काम कर रहा है। दलित वंचित विकास मंच के सहयोग से हमारी कुछ हिम्मत हुई और हमारी आवाज़ हुई, तो हम लोगों ने ग्राम सभा में कई बार आवाज़ उठाई कि हमारे काम मिलना चाहिए। और दलित विकास मंच के माध्यम से कुपोषण पर विशेष तौर से ध्यान दिया जा रहा है, कोई भी बच्चा हमारा कुपोषित नहीं होना चाहिए। To eradicate malnutrition,
Jan Sahas has brought together the community of Panna and Khargone, along with identifying other related issues, and has tried to solve them. And the results were positive. To eradicate malnutrition, there is the need of strong political will to bring community, administration and local leaders together on this issue and fight for it at larger scale.